नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज़। भारत खबर दिल्ली से है। यहाँ राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा क्राउन प्लाजा मयूर विहार फेज वन में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। पुलिस उपायुक्त पूर्वी दिल्ली अपूर्वा गुप्ता, अंशुल सिरोही उपायुक्त दिल्ली नगर निगम मौजूद रहे यहाँ पर। वहीं MSME सेक्टर और बैंकों से व्यापारियों को लोन प्रदान कराना और शेयर मार्केट से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। बैठक का संचालन राष्ट्रीय महामंत्री दीपक अग्रवाल ने किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय गुप्ता ने व्यापारियों की समस्याओं को रखने का प्रयास किया। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नितिन गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मनोज सिंघल, महेंद्र बंसल, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुलशन ढांग, उत्तर प्रदेश महामंत्री जगत अग्रवाल और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे डीसीबी मैम ने भी बोला कि सबको एक साथ बुलाए। इशू तो देखिए है, प्रॉब्लम्स तो होती हैं, मजबूरियां हमारी भी है, मजबूरियां बिजनेसमैन्स की भी हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़े ऐसे, मैं ये कहते हैं जैसे हमारे वहाँ कहते हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन तो नहीं है, सब हम लोग सब एक ही मिडिल क्लास सोसाइटी वाले हैं। प्रॉब्लम्स हैं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारी भी अपनी मजबूरियाँ हैं। जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू जनरेशन की मजबूरी है, हमारे पास भी 1.25 लाख लोग हैं, सैलरी का इशू है, पेंशन का इशू है और जनरेशन के लिए हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। आप जानते हैं पार्किंग हो गया, यूज़र चार्ज हो गया, कन्वर्जन चार्ज हो गया, इसी से जनरेशन हमारा आता है। कोशिश ये रहती है कि कम से कम रेट रखे जाएँ, कम से कम असुविधा हो। इसके लिए सब कुछ ऑनलाइन होता है, कोई दलाली नहीं है, आप अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं। जो कानून है, मेरा मानना है कानून मानना चाहिए सबको, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हम सब हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, एमसीडी पूरी कोशिश कर रही है कि जितना कम से कम लोड कर हमारे बिजनेसमैन्स पे पड़े उतना अच्छा है। जैसे अमित जी ने भी बोला कि एक जो बिज़नेस करता है वो 4 लोगों को नौकरी देता है, वो टैक्स देता है। बहुत अच्छी बात है जो बताई थी कि दिल्ली से GST बहुत ज़्यादा आता है। मेरे जोन में गांधीनगर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ से इतना बेहतरीन GST आता है। हम भी जाते हैं वहाँ से, उनकी भी समस्याएं रहती हैं। तो कोशिश है कि भाई सुविधा दे सकें, असुविधा कम हो, विनती यही है भाई कानून से सब चले। किसी को कोई भी असुविधा MCD की तरफ से है, बिल्कुल मेरे से मिलिए, अमित जी से मिलिए, बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे। हमने की भी है समस्याएं, आगे रिजॉल्व और आगे भी करेंगे। जिस तरह से आज व्यापारियों ने और अधिकारियों ने मिलकर संवाद किया, क्या इससे लगता है कि बिल्कुल होगी? मैं आपको बता दूं, अमित जी पहले भी आए थे, बहुत से, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे हाउस टैक्स से नोटिस पहुंच गए और वो पुराने चल रहे थे 8 साल पहले के, तो बहुत लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास पहुंच गए जिनके पास नहीं पहुंचना चाहिए था। वो आए, उन्होंने अपना रिटर्न में हमको दिया लिख करके कि जी ये तो गलत आया, हमने उसको रिजॉल्व कर दिया, 2 दिन में नोटिस वापस हो गए, फाइल क्लोज हो गई। तो ऐसे ही होता है, संवाद से ही। देखिए मैंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद ही सब कुछ होता है, कोई दादागिरी ना आप लोगों की चलेगी, ना शासन की चलेगी, किसी की नहीं चलती। संवाद कीजिए, संवाद, कम्युनिकेशन इज द की, बातें करते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। जैसे अभी कन्वर्जन चार्जेस का हमने बहुत से रिजॉल्व किए परेशानी, हमारा भी बढ़ा रेवेन्यू, जनता को भी सुविधा हुई, सब खुश से रहते हैं। आज राष्ट्रीय संगठन के द्वारा व्यापारी संवाद करने का माध्यम ही ये था कि लोगों के बीच में अधिकारी और व्यापारी अगर दोनों मिल के साथ में काम करेंगे तो चाहे प्रदेश हो, देश निश्चित रूप से ऊंचाइयों तक जाएगा। और जैसे भारत सरकार की मंशा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बने, वो बन तभी सकता है जब इस देश का व्यापारी खुशहाल होगा। तो आज इस तारतम्य में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा, चाहे लोगों की लोन की समस्या रही हो, चाहे पुलिस विभाग से समस्या रही हो, और चाहे नगर निगम के विभाग के द्वारा समस्या रही हो, MCD के द्वारा समस्या हो, उन समस्याओं को रखने का काम किया गया। और जिस तरह से अधिकारियों ने उसका सहयोग देने का आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, कहीं हो या ना हो, इस दिल्ली में निश्चित रूप से व्यापार सुचारू रूप से चलेगा, उनकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से होगा। आज की बैठक का जो रिजल्ट आया है, निश्चित रूप से वो बहुत फ्रूटफुल है। आज की बैठक में DCP महोदय भी आई, MCD से भी आए, बैंक से भी अधिकारी आए, क्या लगता है कि कितना इससे सहूलियत मिलेगी? निश्चित रूप से मानिए कि जैसे फाइनेंस जो रिलेटेड जो MSME सेक्टर है, जो लोन के लिए हमारे जो साथ से जुड़े हुए हों या हमारे संज्ञान में आता है, निश्चित रूप से मानिए उनको लोन की जो दिक्कतें हों उसको भी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। और साथ ही लोन के साथ साथ
जो एमसीडी में जो नोटिस वगैरह जा रहे हैं ये एक कानूनी प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका सुचारू रूप से जवाब देके उसको भी समाधान करने का काम किया जाएगा। थैंक यू। दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।